कमांड वालों ने मना किया था कि रेडियो पे बात मत करना, पता चल जाएगा। कहा कि ओकरे रेडियो से बतिया रहे उसको पता चल गया चल गया कि भारतीय सेना आ चुकी है, अब पता चल गया तो चल भी गया उन्होंने देख लिया और गोली चलाना चालू किया। और पहला ही ब्रस्ट फायर, बंदूक में ना एक होता है सिंगल गोली, एक होता है ब्रस्ट फायर, धड़धड़ा के खाली कर देगा। चंचल पांडे के ऊपर ब्रस्ट फायर खोल दिया, पुलवामा में बस के सैनिक सो रहे थे मार दिया, ताज होटल में आके मार दिया, यहाँ पे आओ ना 71 में जैसे आए थे। वहां आपको आलू उबालने के लिए 20 सीटी देना पड़ता है, तब जाके आलू उबलता है, समझ में आ गया। वहां जूस जो होता है ना जूस, उसको खोलाइएगा ना 10 मिनट तक, तब जाके वो लिक्विड बनेगा। वहां हथौड़ी से अंडा तोड़ना होता है, इतना टाइट हो जाता है यहाँ पे। वहां दाढ़ी आप नहीं बना सकते वरना आपको बीमारी हो जाएगी, ये दाढ़ी जो होता है ना बहुत ठंडी रोक लेता है बाल वगैरह, इतना टफ कंडीशन होता है। और यहां से हम लोग नजर रख सकते थे किस पर, अक्साई चीन, पीओके और पूरा चीन अक्साई चीन तो हमारा ही है, दोनों बात बोला कीजिए, पूरा चीन नजर रख सकते थे पाकिस्तान। अब हम लोग को खबर मिली कि यहां पर पाकिस्तान आतंकवादी भेजना चाहता है, अब हम लोग क्या करें। 1984 में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हम लोग के पास, 1984 में स्थिति यह थी कि 3 फौजियों की ड्यूटी लगती थी ना, 3 फौजियों का जब ड्यूटी लगता था तो उसमें पता था कि एक कोई है इन तीनों में जो लौट के नहीं आएगा। जब चालान कर वो कमांड कटता है कि आप 3 इस साइड में, आप 3 इस में, 3-3 के ग्रुप में, तो उसको पता था कि हम 3 में से कोई एक है जो लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि आप खड़े खड़े रहिएगा बर्फ का पहाड़ है, धाएं धंस गए, अरे खोजो खोजो कितना अंदर धंस गया क्या पता, मार देगा ठंडा, ऑक्सीजन खत्म, मर गए वहां से कहानी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन इसी बीच खबर क्या आ गई कि पाकिस्तान इधर घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। अब हम लोग के पास वो कपड़े ही नहीं थे जो कहां लड़ाई लड़ सके लोग सियाचिन में, अब उतना ठंडा में मर जाएगा आदमी लड़ते लड़ते, हमारे पास कपड़ा ही नहीं था लड़ने के लिए और ना ही हमारी तैयारी थी, हम लोग को लगा कि वो ठंडिया में कौन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पिछले 7 से 8 साल में वहां जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अपने कुछ सैनिकों को वो उसी माहौल में तैयार कर रहा था ठंडा कहीं सा। अब जैसे हम ही को पता है कि हमको सियाचिन जाना है तो 4 साल से हम तैयारी करेंगे ना, 1 साल जाके जम्मू में रह जाएंगे, फिर ऊपर श्रीनगर में, फिर ऊपर ऐसे करते। उसने वहां पे सबको ट्रेनिंग देके रख दिया, अब भारत को हो गया दिक्कत। अब उस माहौल में रहने के लिए जो कपड़े बनाता था नॉर्वे बनाता था, कौन बनाता था नॉर्वे, तो तय हो गया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जाके कपड़े लाना है नॉर्वे से और वही ठंड के कपड़ों को पहनाना है और भारतीय सैनिक जाएंगे और पाकिस्तान को धो देंगे। हम लोग हैं नॉर्वे के, तो नॉर्वे ने कहा कि बहुत अच्छा, हम आपको कपड़े की सप्लाई दे देंगे, सारा रेट और फिक्स हो गया, मलाई उलाई तो ऑर्डर देने की बात आई तो नॉर्वे ने कहा कि हमको 3 साल लग जाएगा आपकी पूरी भरपाई को पूरा करने में, समझ में आ गया कि नहीं, कंप्लीट करने में, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। भारत ने रिक्वेस्ट किया थोड़ा पहले दीजिए, इमरजेंसी है, तो उसने कहा कि देखिए बात सब सही है लेकिन जो हमारे पास है वही ना दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि इतना ऑर्डर कौन दिया है, तो कह रहा है पाकिस्तान तो ऑर्डर कौन दिया था पाकिस्तान, भारतीय सेना का तो हालत खराब हो गई, नहीं अभी हम लोग मोलाई कर रहे हैं, ये ऑर्डर देके बैठल है, अब क्या किया जाए। तो अब हमारे साथ समस्या ये थी कि अभी मरो या फिर बाद में मरो, दिक्कत ये हो गया कि अगर अभी हम युद्ध, अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास भी वो बहुत कम मात्रा में कपड़े थे और हमारे पास तो था ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग 1 साल 2 साल लेट करते तो उसके पास कपड़ों की सप्लाई आ जाती, फिर तब तो युद्ध करना आफत हो जाता। तो भारतीय सेना ने डिसाइड किया यही वाला जैकेट वोकेट पहन के चल चलते, ये जैकेट जो हम लोग के पास आता है ये 10-10 तक झेल ले जाएगा, -15 तक झेल ले जाएगा, -60 नहीं झेल पाएगा, कर क्या सकते हैं। तो 3-4 गो स्वेटर लादा गया, वहां गया तो वहां जाते पता चलता है कि ऑक्सीजन खत्म, अब क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके युद्ध करना पड़ रहा था, इसे सांस लेता था, उसके बाद से आराम से 10-5 मिनट ड्यूटी करता, फिर उसको लग जाता कि ऑक्सीजन की एकदम कमी है तो फिर जाके ऑक्सीजन लेकर, हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको, कोरोना में भी हो गया था सब लोग को हाइपोक्सिया, जहाँ होता था हाइपोक्सिया तो खत्म का नहीं, ऑक्सीजन कम होने लगता था। अब क्या किया जाए, तो ऑपरेशन चलाया गया राजीव, क्या चलाया गया, अब भारतीय सैनिकों को कहाँ पहुँचाया गया, सियाचिन ग्लेशियर, कहाँ चलाया गया, सियाचिन ग्लेशियर पर। अब भारतीय सैनिक जब सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचे, ठंड भयानक लग रहा था, टेंट डाले, रात को जब आराम कर रहे थे तो एक सैनिक की ड्यूटी बाहर लगाई थी, उसका नाम था चंचल पांडे, क्या नाम था, चंचल।
तो उसकी ड्यूटी बाहर लगाई गई थी। अब वो एक संतरी के पोस्ट पे था, अब वो मतलब देख रहा था कि कोई आए नहीं। अब पाकिस्तानियों की चूंकि आदत रहती है छुप के मारता है सब। पुलवामा में बस के सैनिक सो रहे थे, मार दिया। ताज होटल में आके मार दिया। यहाँ पे आओ ना, 71 में जैसे आए थे आमने सामने बांग्लादेश दे के चल गए, आए फिर लेके आए, लाहौर लेके चलाते हम लोग। तब सैनिक सब सो रहा था, तब तक चंचल को कुछ हलचल दिखाई दी। चंचल को चंचल था, हलचल दिखाई दी। उसने देखा जब अपने दूरबीन से, ससुरा पाकिस्तानी और फुल ड्रेस में आए थे सब, और इन लोग को ठंडा लग रहा था एकदम भयानक, क्योंकि हमारे पास टैंक तो ले लिया था, सैंपल वम्पल में भी कुछ लिया था। अब उधर से गोली चलाना चालू किया। अब उधर से वो लोग पहले देख लिया, क्योंकि ये लोग वो तो पहले से थे सब, हम लोग तो बाद में पहुंचे थे। उन्होंने देख लिया और गोली चलाना चालू किया, और पहला ही ब्रस्ट फायर, बंदूक में ना एक होता है सिंगल गोली, एक होता है ब्रस्ट फायर, धड़धड़ा के खाली कर देगा। चंचल पांडे के ऊपर ब्रस्ट फायर खोल दिया, धड़धड़ा के मार दिए। यहाँ पे चंचल पांडे ने एक समझदारी कर दिया था कि उसने भी इधर से ब्रस्ट फायर मार दिया था, इधर से भी गोली चली ना, तो उधर सबको गोली लगा नहीं, लेकिन डर के तितर बितर हो गया सर। डर के क्या हो गया सर? तितर बितर हो गया सर। अब गोली चली तो आवाज से बाकी सैनिक उठ गया सर। जब बाकी सैनिक उठ गया सब, तो पता चल गया, वरना मान के चले चंचल कोई से लग गया था, चंचल मर गया तब तो पता ही नहीं चलता, ये लोग सोए में आके मार देता सब। और तब तक यहां से भारतीय सैनिक उठ गई, और जब उठ गई तब मोर्चा संभाल लिया भारतीय सेना ने। अब इधर चंचल सहित अब बाकी भारतीय सैनिकों ने घेर के चारों ओर से, लगभग 2.5 से 3 घंटे की लड़ाई हुई बर्फ में और रात के अंधेरे में। इशारा बस था कि उधर से गोली आ रही थी, तो चिंगारी देख के। अब भारतीय सैनिकों के पास न उस तरह की ट्रेनिंग, न उस तरह के कपड़े, अभी अभी पहुंचबे किए थे, सुबेरे की रात में युद्ध हो गया, समझा गया कि नहीं? जैसे आप कहीं बारात में गए, मार हो गया, किन्ने भागेंगे आप? हाँ, अच्छा बारात जब पिटाती है तो सबसे पहले गड़िया पे कब्जा करता है, भागेगा कि ड्राइवर को पकड़ ले, कहाँ जाएगा यहाँ पे? अब जाए दूल्हा का तो हालत खराब होता, कम से कम हमरा छोड़ दियो रे, नहीं समझा है दूल्हा को? हाँ, अब भारतीय सैनिक पूरी तरह क्या हो गए थे? घिर गए थे। लेकिन रात की लड़ाई में मार धार के पूरी तरह भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानियों को सुला दिया, और उन सो को उघारे फेंक दिया, उसका कपड़ा पहन। फ्री में आ गया कपड़ा, फ्री में कपड़ा आ गया। अब भारतीय सैनिक फ्री में कपड़ा आ गया, यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भारतीय सैनिक। अब का आप कौन सी दिक्कत है? और स्वेटर में ठंडा लग रहा था हम लोग को, बढ़िया मिल गया नॉर्वे वाला। भारतीय सेना कहा कि जो ऑर्डर दिए ना बहुत बढ़िया है, और ऑर्डर दे दीजिए। कमांड पूछ रहे, रे बकुल तुमको कैसे पता बढ़िया है? तो कह रहा पहन ले लो हम। कमांड वालों ने मना किया था कि रेडियो पे बात मत करना, पता चल जाएगा। कहा कि ओकरे रेडियो से बतिया रहे। उसको पता चल गया, चल गया कि भारतीय सेना आ चुकी है। अब पता चल गया तो चल भी गया। चल गया, कहा चला गया? परलोक। अब भारतीय सेना के पास थे कपड़े पूरी तरह तैयार, और उधर से वो लोग मैसेज कर रहा है पाकिस्तानी बेस कमांड से, कुछ चाहिए? यस। कहा हाँ हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्यूनिशन। अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी, आउ गधाए एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर से गिरा के चल गया ले आया। अजब गधा था सब वहां से। अब इधर से भारत वाला पूछा, और सैनिक भेजिए, कपड़ा का इंतजाम किए हैं? यहाँ बढ़िया दुकान खुला है। अब वहां पर ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत, दो ऑपरेशन था, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत। अब मार के धो दिया गया वहां पर, खत्म हो गया कहानी वहां से। उसके बाद से पाकिस्तान से नॉर्वे फोन किया, किसको? पाकिस्तान को, कि ए पाकिस्तान आपका ऑर्डर बन गया, ले जाइए। तो करा कैंसिल कर दू। अब किसके लिए ले जाएं? मैं किसके लिए सजू मेरा पिया आना रहे? खत्म हो गया कहानी। अब वो किसके लिए ले जाएगा? अब वहां बैठ के कौन सी करेगा? वहां पे वो ठंडा वाला कपड़ा वो पहन लीजिएगा ही, या इतना गर्मी करेगा कि चमड़ा छोड़ देगा वहां। अब क्या करेगा? पाकिस्तान कैंसिल किया तो भारत का कोई बात नहीं, दे दो दे दो, पहले मिल गया यहाँ पे बेचारा सबको। किस्मत भी साथ नहीं देता है, किस्मत हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बुद्धि भी नहीं है। आगे बढ़े,
तो ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत किसके संबंधित है? सियाचिन के लिए। 1984 तब से लेकर आज तक भारतीय सेना यहां रहती है। अब पाकिस्तान कहता है कि हम दोनों यहां से हट जाते हैं पीछे। भारत ने कहा कि ना, पता नहीं किसका पहुंच सीधा नहीं होता है समझे, इसलिए भरोसा नहीं है। अब हमारे सैनिकों को आदत लग गई है वहां, अब कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर बना दिया है ध्रुव, अपना हेलीकॉप्टर बना दिया एचएल बनाए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट SLCA ध्रुव रुद्र, ये सारे हेलीकॉप्टर अब हमारे सियाचिन में पहुंच सकते हैं। अमेरिका का हमारे पास भी बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर है, उसको ले गया गया, सियाचिन तो का सांस फूलने लगा, अरे बहुत ठंडा है जी इधर, यहाँ पे भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो भारत निकाल ले जाए यहाँ से। समझो, हमारा देश इसीलिए कहा जाता है आत्मनिर्भर रहिए। जब हमको देखिए आत्मनिर्भर रहिएगा तो हर चीज आपके हिसाब से होगा, और नहीं तो बाहर से खरीदेगा तो वही रेडीमेड कपड़ा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अपना बनाएंगे तो पूरा कस्टमाइज रहेगा आपका, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। तो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव, समझ में आ गया। और आप लोगों को ये आजादी और ये आजाद देश दिखता है तो ये किसी का एहसान है हमारे ऊपर, ऐसे फ्री में नहीं मिला है।